हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सीक्रेट लेकर आया हूँ जिसे जानकर आप लोग कभी इंग्लिश बोलने से नहीं डरोगे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इंग्लिश बोलने का डर अपने मन में बिठा रखा है। इंग्लिश बोलना उतना ही आसान है जितना कि हिंदी बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? वो ऐसे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो USA में रहते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है? क्या वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं? क्या उनके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं? और अगर हम हिंदी अच्छे बोलते हैं तो क्या हमारे हिंदी में 100 में से 100 नंबर आते हैं? फ़र्क बस इतना ही है कि उन्होंने इंग्लिश बचपन से सुनी और बचपन से बोली। वैसे ही हमने भी हिंदी बचपन से सुनी और बचपन से बोली है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए ना तो हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए ना तो वोकैबुलरी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये दोनों इंग्लिश बोलने के लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी तो एडवांस इंग्लिश में आते हैं, और इंग्लिश बोलने के लिए हमें बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप बोलेंगे ये बेसिक इंग्लिश क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिक इंग्लिश का क्या फंडा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लैंड में रहकर किसी के भी इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर नहीं आते। उसी तरह इंडिया में भी रहकर किसी के हिंदी में 100 में से 100 नंबर नहीं आते। दोस्तों, ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ख़राब इंग्लिश भी बोलोगे तो लोग उसको सच मान लेंगे। लेकिन ये पॉइंट आता है कि हम ख़राब इंग्लिश बोले ही क्यों? अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारी कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि हम सही इंग्लिश बोलें। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में आ तो जाती है लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं 4 लोगों के बीच उनकी बेइज्जती ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इंग्लिश बोलते वक्त कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। हम लोगों के सामने इंग्लिश बोलने से डर जाते हैं। जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो हम फंबल कर जाते हैं, या फिर बात को हम समझ ही नहीं पाते तो हम सामने वालों को क्या जवाब दें। दोस्तों, इसका एक छोटा सा रीज़न है। जब हम किसी से हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो हम हिंदी में ही सोचते हैं, फिर उसका जवाब भी हम हिंदी में ही देते हैं। लेकिन जब कोई हमसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो भी हम हिंदी में ही सोचते हैं और फिर उसका कन्वर्ट करके हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसे ही करना पड़ता है, और ऐसे ही करने से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। लेकिन बोलते वक्त हम ये गलतियाँ कर बैठते हैं कि पता नहीं यहाँ वॉज आएगा कि वर आएगा, यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा, ये सब नहीं सोचना है। हमारे दिमाग में उस वक्त जो भी इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं हिंदी का, उसे हमें बोल देना है। बस बात करते वक्त इंग्लिश टू इंग्लिश ही हमें बोलना है। बस शुरू शुरू में हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके बोलने में दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हमें कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और फिर वो सेंटेंसेस जो हमें बात करना होता है अपने आप निकलती है। या तो हम बोलते वक्त इमेज भी बना सकते हैं, जैसे कि मिस्टर सोनिया इज़ गोइंग टू मार्केट। तो इमेज बनाने से हमें पता चल जाता है कि कोई औरत है जो बैग लेके बाज़ार जा रही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मिस्टर सोनिया गोइंग टू मार्केट। अगर हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ध्यान न भी रखें तो भी हम बात समझ में आ जाती है कि मिस्टर सोनिया बाज़ार जा रही है। दोस्तों, हम कोई लैंग्वेज सीखकर पैदा नहीं होते हैं। बचपन में हमें भी हिंदी बोलने में तकलीफ होती थी, गलतियाँ करते थे हम, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें समझ आया और पता चला कि हम गलत बोल रहे थे, और फिर हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। दोस्तों, यही फंडा है इंग्लिश बोलने में भी। हम शुरू में गलत ज़रूर बोलेंगे, लेकिन इसी तरह से अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे बोलने की, तो एक दिन वो आएगा जब हम अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, और तब हमें इंग्लिश को हिंदी से कन्वर्ट करके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मन में सवाल ये उठता है कि हम प्रैक्टिस करें तो किसके साथ करें? अपने फ्रेंड्स के साथ करें, पेरेंट्स के साथ करें, या टीचर के साथ करें? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह प्रैक्टिस आप शुरुआत में अपने आप से करें। दोस्तों, आप मिरर के सामने खड़े होकर रोज़ 5 मिनट आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, शुरुआत में ये प्रैक्टिस भी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रैक्टिस के द्वारा आप में कॉन्फिडेंट लबालब भर जाएगा और फिर आप इंग्लिश बोलने में फंबल नहीं करेंगे। हाँ, रोज़ की टॉपिक आपकी चेंज होनी चाहिए, जैसे माई सेल्फ, माई फैमिली, माई लोकेलिटी, माई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, इन टॉपिकों को आपको इसलिए लेना है क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी है,
और दोस्तों कुछ ही दिन में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगेगी और आप अच्छे तरह से बात करना शुरू कर देंगे। आपकी फैमिली में इंग्लिश बोलने का माहौल हो या ना हो, आप अपनी रोज़ की रूटीन में आप अपने इंग्लिश शब्दों को बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे आज क्या सब्ज़ी बनी है, आज क्या वेजिटेबल बनाई है, चाय में चीनी कम है, चाय में शुगर कम है, टी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। प्रैक्टिस के लिए आप कस्टमर केयर को कॉल करें और इंग्लिश वाला ऑप्शन चुनें। उस वक्त आप बात करते वक्त डरे नहीं और आप क्या गलती कर रहे हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा, और इस तरह से आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप वही कॉलम पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, लेकिन आपको जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना है तब आपको ध्यान से पढ़ना है और पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है। एक और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जब भी किसी मार्केट में या किसी ऑफिस में किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जिन सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है उस सेंटेंसेस की तैयारी आप पहले से ही कर लो। जैसे वहाँ आपको ये पूछना पड़ सकता है कि बैंक में खाता कैसे खोलते हैं, कितने पैसे से खुलेगा, फॉर्म कैसे भरेंगे। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो। एक और बात ज़रूरी है कि इंग्लिश सुनी जाए। जैसे कि इंग्लिश मूवी देखना शुरू करो, इंग्लिश सॉन्ग्स, न्यूज़, इंग्लिश सीरियल्स वगैरह वगैरह। शुरू में आपको समझने में दिक्कतें होंगी, बट धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी के भी साथ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ फराटेदार इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने, तो सीखते रहो और बढ़ते रहो। थैंक्स।